पल्स पोलियो अभियान का महिला जिला अस्पताल में सीडीओ संजय कुमार मीना ने फीता काट कर एवं बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि पल्स पोलियो की दवा सुरक्षित है और असरदार है। इसके प्रति मिथक और भ्रांतियों के कारण पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का उन्मूलन नहीं हो सका, जबकि भारत में पोलियो उन्मूलन संभव हो गया। पड़ोसी देशों में पोलियो के वायरस मौजूद है, इसलिए एहतियातन भारत के भी नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो से पूर्ण प्रतिरक्षित किया जाना अनिवार्य है तथा प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है कि अपने बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को पत्र भी भेजे गए हैं कि सभी स्कूलों में बूथ दिवस पर रैलियां निकाली जाएं तथा राजस्व विभाग, आपूर्ति विभाग, पंचायती राज विभाग और नगर निकाय से जुड़े लोगों से परिवार को प्रेषित कर उनके बच्चों को पोलियो की दवा पिलवाने के लिए निर्देशित भी किया गया है। वहीं एडी हेल्थ आरबी विश्वकर्मा ने बताया कि 19 सितंबर से 23 सितंबर तक घर घर जाकर नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने सभी जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि अपने शिशु को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं और अपने बच्चों को पोलियो से मुक्त रखें। इस अवसर पर सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे, एडिशनल सीएमओ डॉ. नंदलाल कुशवाहा, डिप्टी सीएमओ डॉ. ए.के. सिंह, डॉ. जय कुमार, ARO अजीत सिंह, नवीन गुप्ता, संदीप श्रीवास्तव, नंदलाल सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडी हेल्थ डॉक्टर IB विश्वकर्मा एवं CDO संजय कुमार मीना ने कहा, चेहरा दिखाओ। हाँ हाँ चलो। बस हो गई हो गई हो गई। सर थोड़ा सा हाथ चेहरा भैया। हाँ ए ए गुड। ओ हो चलो ले जाओ। गुड। हाँ ये लो ये लो। हाँ से खिला दे तो उन लोगों की फोटोग्राफी अच्छी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। हाँ ऐसे खत्म होने वाला आज जो है पल्स पोलियो अभियान हमारा शुरू हुआ है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। आज जो है बूथ डे है, इसके बाद कल से 5 दिन तक जो है घर घर बच्चों को जो छूटे हुए हैं पूरे घर घर भ्रमण करके पिलाई जाएगी और पूरे जितने 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनको सबको कवर किया जाएगा। उसके बाद यदि जो भी बच्चे छूटे रहते हैं उसके बाद संडे को जो है बी टीम चलाई जाएगी। जो बच्चे हमारे रह जाते हैं या कहीं नानी के यहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उनको जो बी टीम में 100% जो है सारे बच्चों को कवर किया जाएगा। ये पूरे अभियान में हमारे पूरे सभी 0 से 5 साल के बच्चों को कवर किया जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे? हम सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि जो हमारा लास्ट के 2011 में कलकत्ता निकला था, तब से पोलियो जो है हमारे जो है देश में नहीं है। लेकिन यदि कोई बच्चा अगर दवा से वंचित रहता है पोलियो खुराक से, उसके अंदर इम्यूनिटी कम रहेगी, तो खुदा ना खास्ता जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में केसेस हैं वहाँ से अगर आ गए
वो बच्चा निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए हमारी सबसे यही अपील है कि अपने सभी 0 से 5 साल के बच्चे को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं और अपने बच्चे को पोलियो से मुक्त रखें। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पोलियो एक ऐसी महामारी है, अगर हम लोग शुरुआत में ही वैक्सीन दिला दें तो आगे चलकर इससे बचा जा सकता है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज पल्स पोलियो अभियान का शुरुआत जिला महिला अस्पताल से किया गया, जहां पर जो भी नवजात शिशु हैं और जो बच्चे जिनको पोलियो की खुराक नहीं मिली थी उनको पोलियो की जो हम बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की वो पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। और आप सभी के माध्यम से पूरी गोरखपुर की जनता से ये अपील रहेगी कि जिन जिन बच्चों को अभी तक पोलियो की खुराक नहीं मिली है वो आगे बढ़कर अपने बच्चों को पोलियो की खुराक इस अभियान के तहत ज़रूर पिलाएं।